मैंने आपको इसी चैनल पे शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी बताई, मैंने इसी चैनल पे बिल्लू सांडा की कहानी बताई, मैंने इसी चैनल पे दाऊद इब्राहिम सुक्खा पाशा की कहानी बताई, पर न जाने क्यों मेरे बिल्लू सांडा के वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया। एक कोर क्रिमिनल होने के बावजूद भी आखिर ऐसे क्या कारण है कि मेरे सारे वीडियोस बिल्लू सांडा के ट्रेंड करते हैं। 50 लाख लोगों ने देखा था। आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। उस शख्स का नाम है सुखा कालून। सुखा कालून की कहानी आपने मेरे चैनल पे कई बार डिमांड की कि आप सुखा कालून के बारे में बताइए। एक कोर क्रिमिनल होने के बावजूद भी सुखा कालून की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि पूछिए नहीं, और यही कारण था कि मुझे ये वीडियो आज करना पड़ा। मैंने भी आपको बिल्लू सांडा के बारे में एक कदम आगे बढ़ के ऐसी ऐसी जानकारी बताई जो किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं थी, पर मैंने आपको दी ऑथेंटिकेट जानकारी। जब मेरे कम सब्सक्राइबर हुआ करते थे तो जानकारियां चल जाया करती थी। 80 हजार से 81 हजार की और हम लोग बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से जिम्मेदारियां भी बढ़ी तो फैक्ट्स को रीचेक करने का काम भी हो गया, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि आपको जब भी वीडियो मैं लेके आऊँ तो एकदम ऑथेंटिकेट जानकारी मैं आपको दूँ, अप टू डेट मैं आपको रखने की कोशिश करता हूँ और आर्टिकुलेटेड वे में बताता हूँ। पर क्या कारण है कि सुखा कालून की भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है? क्या इसने वाकई में ऐसा कोई काम किया है जिसके वजह से कि कोर क्रिमिनल होने के बावजूद भी इसे पब्लिक इतना पसंद करती है? वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेगाफैट किसी भी क्राइम वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, न ही किसी भी क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। लेकिन जितने भी साल भर हो गए मुझे क्राइम वीडियो करते हुए, मेगाफैट्स को 4 साल से ऊपर हो गए, लेकिन जितने भी वीडियोज़ मैंने किए हैं, मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस की कि इन सभी वीडियोज़ में हालात, एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जिसकी वजह से ये सभी शख्स हथियार उठा लेते हैं, चाहे वो सुखा कालून हो, सुखा पासा हो, बिल्लू सांडा हो, शिव प्रकाश शुक्ला हो। मैंने आपको इसी चैनल पे किस तरीके से गुलशन कुमार की हत्या की गई थी, 16 गोलियां दिन दहाड़े मार दी गई थी, लाखों लोगों ने उस वीडियो को भी देखा, पर फिर भी आपने जब डिमांड किया तो मैं आपके सामने फिर आ गया सुखा कालून की कहानी लेके। उससे पहले कि डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक लगा रखे हैं और आई बटन पे भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे क्राइम से रिलेटेड, जिसको आपने बहुत पसंद किया है। अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिल्लू सांडा के ऊपर 16 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन सुखा कालून के ऊपर 40 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 हत्या, 7 हत्या का प्रयास और लूटपाट के मामले और अन्य मामले भी दर्ज हैं। पर पुलिस कस्टडी में 21 जनवरी 2015 की शाम 27 साल के गैंगस्टर सुखा कालून के मर्डर ने कानून के सामने साजिशों के कई सवाल छोड़ दिए। पर सवाल ये था कि आम सा जमींदार का लड़का, मासूम सा दिखने वाला लड़का आखिरकार कहाँ रास्ता भटक गया? सुखा का माँ बाप के साथ अमेरिका जाने का सपना था। सुखा का 17वें साल में माँ बाप के साथ अमेरिका जाने का सपना था, पर गांव में हुए एक झगड़े के कारण उसे पासपोर्ट ना मिल सका। जबकि 4 अक्टूबर 2004 को उसके खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ। जमानत तो थाने से मिल गई, बट यही पासपोर्ट बनने में आड़े आ गया। गांव में एक झगड़ा हुआ, शहर आया तो कई सारे झगड़े हुए, ये छोटे मोटे झगड़ों में फंसता चला गया। सुखवीर अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, दोस्तों की छोटी मोटी लड़ाई में भी खड़ा रहता था, यहाँ तक कि वो अपने सामने से दोस्तों के हस्तक्षेप भी करता था उनकी छोटी मोटी लड़ाइयों में। आलम यह हो गया कि लड़ाई कोई भी हो, सुखा का नाम आ ही जाता था। और फिर इसी तरह
एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में सुखवीर का नाम दर्ज हो गया। सुखवीर सुखा को ही कहते थे। सुखा का एक खास दोस्त लवली बाबा मर्डर केस में फंस जाता है। सुखवीर ने लवली को सुलह करने की सलाह दी, पर लवली नहीं माना और उसे सजा हो गई। जब वह बाहर आया तो उसने सारा इल्जाम सुखवीर पर डाल दिया। कुछ दिन बीत गए, सुखवीर ने लवली के ऊपर हमला कर दिया। हालात गंभीर थे, लवली हॉस्पिटल एडमिट हो गया, वहाँ उसकी डेथ हो गई। लवली की डेथ हो जाती है। तो आज की कहानी सिर्फ बहुत छोटी रखी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तब मैं इस कहानी को आगे लेकर के आऊँगा, और इसकी आगे की कहानी भी प्री रिकॉर्डेड हो चुकी है। मैं आपको बहुत जल्दी इसके आगे की कहानी सुनाऊँगा, जो कि बहुत दिलचस्प है, किस तरीके से शुका कालून की लाइफ का अंतिम समय आ जाता है जब उसने खूब उत्पात मचा दिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको डेट बता दूंगा कि मैं कब इसका सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।